रीवा जिले अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ आए दिन गोली चलने की घटनाएं आम हो गई हैं। पहले तो दुश्मनी में गोली चलती थी, लेकिन अब प्यार में भी गोली चलने लगी। ताजा मामला रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत चाड़ा के पुरी नगर का है, जहाँ रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा को उसके प्रेमी ने घर में घुसकर गोली मार दी। गोली युवती के कंधे के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके से आरोपी भाग निकला। घटना के वक्त युवती अपने छोटे भाई के साथ अकेली थी। घटना की जानकारी आसपास वालों व परिवार को होने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे तलाश करने पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवती का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपसी विवाद होने के बाद यह घटना घटित हुई। घटना की वास्तविक सच्चाई क्या थी, ये तो पुलिस जाँच के बाद ही पता चल सकेगा। पड़ती है उसको घर में घुस के किसी ने गन शॉट से फायर किया है, उसको गले में लगी है और अभी तत्काल मौके पर पुलिस गई हुई है, विवेचना चल रही है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, जिसने गन फायर किया है उसका भी शिनाख्त हो चुकी है कि वो कौन है। बहुत जल्दी हम